इसमें नहीं आ रहा यार, इसे टूट गया यार, पकड़ ले से। सरकार से डिमांड यही है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, प्रधानमंत्री जवाब दें, वो कब तक चुप रहेंगे? और जो देश में हो रहा है वो बहनों की सुरक्षा के लिए घातक है, सम्मान से और सुरक्षा से जीने का अधिकार है। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले बर्खास्त करे, क्योंकि जो वहाँ हो रहा है उसके लिए DMSSP से ज़्यादा दोषी मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो नोडल अधिकारी है, उनके इशारे पे हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री न्याय देना चाहते हैं तो DM की औकात नहीं थी, वो पीड़ितों को धमका दे, मीडिया नहीं घुस सकती है, पीड़ित से मिलने वाले नहीं जा सकते, पीड़ित परिवार को बंधक बनाया गया। आज उत्तर प्रदेश में परिवार बंधक नहीं है, न्याय बंधक है, और योगी जी और न्याय परिवार के न्याय के बीच योगी जी बीच में पड़े हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है। अगर सारी सरकारें पूरे देश में जहाँ भी जिस पार्टी सरकार है, अगर वो दलितों को न्याय दिलाना चाहती है, अगर वो राजनीति से ऊपर उठ के दलितों की सुरक्षा की बात करती है, 20 लाख दलितों को जो पीड़ित है सरकारी न्याय साथ दिलाए जाए, इससे दलित अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए, क्योंकि सरकारों से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जवाब दे और पता है कि दलित की बेटी भारत की बेटी है या नहीं है, अगर वो भारत की बेटी नहीं है तो दलितों को निर्णय अपने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं निर्णय लेने।